हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल बीबी फाणी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आखिर में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचे। तो चलिए ड्राॅइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 15x12 का एक बॉक्स बनाऊंगा। देखिए, लंबा 12 है, चौड़ा 15 सेंटीमीटर का मैं प्रॉपर शेप में हमें ध्यान पूर्वक बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। 0 से लेके 15, फिर 0 से लेके 12, उस हिसाब से हम करना है। जब हम 12 से हम गाड़ी खींचेंगे तो 8 से हमें बिंदु देना है। देखिए, मैं दो साइड में 8 से हमें बिंदु दिया था। फिर हम उसका डबल बॉर्डर देंगे। डबल बॉर्डर देने के बाद उसके ऊपर में हम स्केच पेन से बॉर्डर देंगे। देखिए, हम स्केच पेन से पहले से ही बॉर्डर दे देंगे, क्योंकि आज हम वैक्स कलर करने वाले हैं, इसलिए हम पहले से ही स्केच पेन से बॉर्डर देके उसके अंदर हम कलर भरेंगे। देखिए, मैंने आज पूरा बॉर्डर अच्छी तरह से बना दिया है समान शेप में, और उसके अंदर में स्केच पेन से अच्छी तरह से कलर मार दिया है। तो चलिए, अभी जहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था, वहीं से हम एक सीधी लकीर खींचकर एक माउंटेन का शेप निकालेंगे। देखिए, हमें हम किस तरह माउंटेन बना रहे हैं। आज हम मिडनाइट का सीन लैंडस्केप बना रहे हैं। देखिए, आईसी माउंटेन का मिडनाइट का हम सीन बना रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग को अच्छी हिसाब से हर माउंटेन को अलग अलग दिखाना है। कोई सा भी पॉइंटेड यही हमें थोड़ा दिखाना है। बाद में हम यहाँ से एक पेड़ निकालेंगे। देखिए, पेड़ में पत्तियाँ नहीं होंगी, बस थोड़े ब्रांचेस होंगे, क्योंकि हमें बाद में इसके ऊपर भी बर्फ़ डालना है। वो बड़ा हम किसे बनाएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं किस तरह शेप से लेकर एक शेप में ब्रांचेस बना रहा हूँ। आपको उसी प्रकार ब्रांचेस बनाना है, और नीचे नीचे ऐसे कांटेरी झाड़ियाँ भी आपको बनाना पड़ेगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, नीचे तरफ बर्फीले पत्थर भी थोड़ा बनाना है। देखिए, मैं किस तरह पत्थर का शेप निकाल कर ड्राॅइंग बना रहा हूँ। आपको उसी प्रकार ड्राॅइंग बनाना है। फिर बाद में कहें कि और भी हम ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचेस बना सकते हैं। मैं देखिए किस प्रकार ब्रांचेस धीरे धीरे शेप में लेके शेप में छोड़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, उसी प्रकार हमें देना है। फिर बाद में हम स्केच पेन से, लगभग हमारे ऊपर बन चुका है, फिर हम इसमें जौन सा पेड़ के सामने जो लाइनिंग आया है हम उसको मिटा देंगे। देखिए, मिटा दिया है। अभी स्केच पेन से मैं उसको शेप में लेके बॉर्डर दे रहा हूँ। देखिए, किस तरह मैं शेप में लेके बॉर्डर दे रहा हूँ। आप लोग को भी उसी प्रकार शेप से शेप में बॉर्डर देना है। कहीं पर भी भर भर के कलर नहीं मारना है, बीच बीच में वाइट दिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं किस प्रकार दिखा रहा हूँ वाइट वाइट ब्रांच के बीच बीच में, आपको उसी प्रकार ब्रांच के बीच बीच में वाइट छोड़ छोड़ के अच्छी तरह से बॉर्डर देना है, ध्यानपूर्वक मारना है। हम इसे बिना ब्लैक बॉर्डर से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ब्लैक कलर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए फिर भी हम क्लैरिटी के लिए हम ब्लैक से बॉर्डर दे रहे हैं। देखिए, मैंने कटी हुई झाड़ियों में दे दिया है। अब हम जो से बर्फीले पत्थर हैं उसके ऊपर भी हम ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर देंगे, हम कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं। फिर हम जो से आईसी माउंटेन बनाने वाले हैं उसे बॉर्डर देंगे, और प्रॉपर बिल्कुल बिना उठा के हमें बिल्कुल बॉर्डर देना नहीं है, एक ही लाइन में हमें बॉर्डर देना है। फिर बाद में एक प्रॉपर शेप में लाकर धीरे धीरे जिगजैग शेप में थोड़ा कहीं कहीं मारना है। देखिए, मैं लगभग पूरा ब्लैक से बॉर्डर दे दिया है, कहीं छूटा है क्या चेक करेंगे, जहाँ छूटा है वहाँ वहाँ हम कंप्लीट करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैक कलर से हम सभी माउंटेन्स को डिवाइड कर दिए हैं। देखिए, हमने पहले से ब्लैक कलर से सभी माउंटेन्स को डिवाइड कर दिया है, नीचे से ऊपर ऊपर मारा है। आपको उसी प्रकार सभी जगह मारना है। बाद में हम डीप ब्लू कलर लेकर ब्लैक के ऊपर मिक्सिंग करेंगे। देखिए, किस प्रकार जैसे हमने ब्लैक मारा था उसी प्रकार डीप ब्लू को भी माउंटेन में अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हमें ध्यान देना है पूरा माउंटेन में बिल्कुल भरना नहीं है। देखिए, मैं किस प्रकार डिब्लू मार रहा हूं, आपको उसी प्रकार डिब्लू मारना है। कलर मारते समय हड़बड़ाना नहीं है, और ब्लैक में अच्छी तरह से मिक्सिंग कर करके जाना है।
देखिए मैं किस प्रकार मार रहा हूँ, उसी प्रकार आपको अच्छी तरह से ब्लैक के ऊपर मिक्सिंग कर करके ऊपर ऊपर जाना है। जिस तरफ ब्लैक मारा था उसी प्रकार हमें भी डब्लू मारना है, हमें कहीं पर भी ब्लैक छोड़ना नहीं है, ब्लैक के ऊपर से मार मार के ही जाना है। देखिए मैंने कैसे ब्लैक के ऊपर ऊपर मारा है, बाद में और कहीं जगह खाली हो जाए तो हम वहाँ पर भी अच्छे से प्रपर शेप में मार मार कर हमें उसका लेवल निकाल सकते हैं। देखिए मैं किस तरह लेवल निकाल रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी लेवल निकालना है। फिर हम स्काई ब्लू लेकर जहाँ जहाँ हमने ब्लैक और ब्लू मारा था वहीं ब्लैक और ब्लू के ऊपर से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हल्के हल्के हाथों से मिक्सिंग करेंगे। देखिए किस तरह मैं मार रहा हूँ, उसी प्रकार आपको हल्के हल्के हाथों से मिक्सिंग करके मारना है। देखिए किस प्रकार मारा गया है। फिर बाद में जो माउंटेन है वहाँ पर भी हम ब्लैक और डीप ब्लू के ऊपर में मिक्सिंग करते करते मारेंगे, हमें कहीं पर भी छोड़ना नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर में वाइट आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज ऐसा आईसी माउंटेन बना रहे हैं मिडनाइट में, उसीलिए हमें ध्यानपूर्वक मारना है। हर पहाड़ में इसी प्रकार हमें मारते मारते जाना है और ऊपर ऊपर वाइट भी छोड़ते जाना है, क्योंकि बाद में हम माउंटेन को डार्क शेड से अलग करेंगे। जिस प्रकार हमने माउंटेन में कलर मारा था उसी प्रकार हम स्काई में भी वैसे ही मिक्सिंग करेंगे, ब्लैक डीप ब्लू और स्काई ब्लू। देखिए किस प्रकार हम शेड दे रहे हैं उसी प्रकार हम बैकग्राउंड में भी मारेंगे। लगभग हमारा माउंटेन में अच्छी तरह से स्काई ब्लू मार चुके हैं, हो गया। तो बाद में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने वहाँ पे वाइट छोड़ा है वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखिए पहाड़ के पीछे हमने ब्लैक से डिवाइड किया है, ब्लैक के बाद मैंने डीप ब्लू से मिक्सिंग किया है, ब्लैक के ऊपर से डीप ब्लू अच्छे से मिक्सिंग किया है, फिर सबसे लास्ट में ब्लैक डीप ब्लू के ऊपर से स्काई ब्लू को अच्छी तरह से मिक्सिंग किया है और ऊपर में वाइट का लाइटिंग छोड़ा है जिससे पहाड़ पर पड़ा है। फिर देखिए हमारा लैंडस्केप इस तरह कुछ दिख रहा है। फिर पानी में हम थोड़ा लाइन के नीचे नीचे छोड़ छोड़ कर डीप ब्लू को ऐसे घरते घरते हल्के हल्के हाथों से लाएंगे। देखिए जहाँ पर हमारा सन का मून का जो लाइटिंग दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन पानी में भी हम भी डालेंगे, लहराते लहराते हमें बनाना है, उसीलिए हम कलर को भी थोड़ा थोड़ा लहराते लहराते ही मारना है। देखिए मैं किस प्रकार डीप ब्लू को मार रहा हूँ, आपको वो उसी प्रकार मारना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए, बस मारते मारते जाना है। फिर नीचे से मैं थोड़ा डार्क शेड मार मार के ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। देखिए मैं किस तरह मार रहा हूँ, क्योंकि हमें इस तरफ थोड़ा अंधेरा दिखाना है उसी लिए डार्क ब्लू मारा जा रहा है। फिर उधर भी हम इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मारेंगे, कोने कोने में कहीं पर व्हाइट नहीं छोड़ना है, प्रॉपर शेप में हम उसको मारते जाएंगे। देखिए किस तरह मारा जा रहा है। फिर हम ब्लैक कलर से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रोक्स मारेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। देखिए मैं और थोड़ा गहरा मारने जा रहा हूँ, बस स्ट्रोक्स मारेंगे, हमें डार से घसना नहीं है, ओन स्ट्रोक्स मारना है। देखिए किस प्रकार मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, उसी प्रकार हम हल्के हल्के से सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल शेप में स्ट्रोक मारते रहेंगे। जिस प्रकार हम इधर मार रहे हैं उस अपोजिट साइड में वैसे ही हल्का हल्का मिक्सिंग करते जाएंगे। कोने कोने में हमें अच्छी तरह से मारना है। देखिए मैं किस प्रकार कोने कोने मार रहा हूँ, कहीं पर हमें छोड़ना नहीं है, कोने कोने से हमें मारते मारते धीरे धीरे ऊपर ऊपर आना है। देखिए लगभग हमारा हाईलाइटिंग कितना अच्छा दिख रहा है, मून का जो लाइटिंग पानी में गिरा है तो कितना रोशनीदार दिख रहा है, जैसे हमारा स्काई का लाइटिंग है वैसे पानी में भी वैसे नज़र आने लगा है थोड़ा थोड़ा। देखिए उस प्रकार हम ब्लू से ब्लैक से अच्छा से स्ट्रोक्स मारेंगे। कोना कोना में हमें ध्यानपूर्वक मारना है, इतना भी काला नहीं मारना है कि हमारे कटीली झाड़ियाँ दिखाई न दे। देखिए मैं अच्छे से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, जो बीच का जो हमारा फोकस है जो मेन लाइटिंग है वहीं पर हम फोकस डाल रहे हैं, इसलिए हम ब्लैक से थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं। देखिए लगभग हमारा ड्राइंग होने आया है, हल्के हल्के हाथों से हम वहाँ पे हम स्ट्रोक्स मारेंगे। फिर आप देख रहे हैं पेड़ में मैंने भावल कलर से आधा मारा है, आधा वाइट दिख रहा है और आधा भावल भरा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बर्फ़ का सीन हमें दिखाना है,
तो वहाँ पे हम वाइटनर से ऊपर ऊपर में हमने वाइटनर से मार दिया, जैसे बर्फ स्नो जैसे दिखाई देगा। देखिए मैंने पानी में झाड़ियों के बीच में जहाँ जहाँ पे गैप था वहाँ पर मैंने अच्छे से वाइटनर मारा है, जो बर्फीले पत्थर हैं नीचे नीचे वहाँ पे वाइटनर मारा है, फिर पानी में मारा है, और वो स्काई का जो लाइटिंग है सबसे ऊपर में वहाँ पे मारा है।